और मैंने कहा पाकिस्तान को औकात क्या बताएं। हमारे पहले के कवियों ने बहुत कह दिया कि पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूमते हैं, पाकिस्तान में जितनी पुलिस है उतने तो हमारे यहाँ कैदी बंदे हैं जेलों में, शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। लेकिन मैं पुरानी चीज कुछ नहीं कहूंगा, मैं नए प्रतीक लेकर आया हूं और पाकिस्तान को औकात बताता हूं। सुन लो पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है, औकात सुनना उनकी, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। ताली ऐसे बजाओगे तो पाकिस्तान को औकात समझ में नहीं आएगी। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और अगली पंक्ति जो आ रही है, सावन के महीने में इससे अच्छी औकात बताने का प्रतीक और मौका नहीं मिलेगा। उतना हम नागिन डांस पे नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेलकूद वाला उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, आपके माध्यम से औकात बताता हूं, उतना हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। ये औकात है पाकिस्तान की। अंतिम कविता, युद्ध की धमकियां मिल रही हम लोगों को। मैंने मोदी जी से कहा डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को औकात कैसे बताई जाएगी, मैं प्रधानमंत्री जी की कविता पहुंचाता हूं उन तक। और देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। लेकिन मेरी बीवी भदौरिया ठाकुर है, 24 कैरेट की छत्राली है, देशभक्ति सिखाती। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, और ये जो विपक्षी लोग हैं शोर मचा रहे हैं, अरे आपका तो हर दावा ढेर नजर आया है, अरे आपका तो हर दावा ढेर नजर आया है, आपकी निगाहों में फेर नजर आया है। और यूं तो एसीआरों के झुंड बहुत दिल्ली में, हमको सिर्फ मोदी में शेर नजर आया है, हमको सिर्फ। अरे शेर का बच्चा गौरव चौहान औकात बताता है, पाकिस्तान से बातचीत कभी नहीं। स्वागत। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। विशेष कविता मित्र जी, अंधों को मंत्री जी सुनना, आप खुश हो जाएंगे, अगली बार टिकट देंगे मुझे। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, दुश्मन जो भाषा। पाकिस्तान तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम हो बबूल हम चंदन हैं। उस एयरफोर्स के मूंछों वाले सिपाही को याद रखना, तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम हो बबूल हम चंदन हैं, अरे तुम हो जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों के अभिनंदन हैं, हम सिंहों के अभिनंदन है। अब औकात का एक पन्ना खोलता हूं, आनंद लेना। पाकिस्तान तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे हम, उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे, एक नेता का नाम आएगा मित्रों अगली पंक्ति में, आज भी उसके प्रति श्रद्धांजलि दिलों में है, तो तालियों की सलामी, एक भी हाथ खामोश न रहे, आप भी आ जाओ। जी स्वागत है, बस ठीक है हो गया जी। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तब जब तू पैदा हुआ था वो सही घड़ी नहीं थी। ये बात तो सही है, दादी ने सही कहा।
अरे तुम हो जमात की दड़ वाली, हम सिंहों के अभिनंदन हैं। पाकिस्तान तुम भूल गए, 47 पैदा होते ही अकड़े थे हम, उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। नेता का नाम आ रहा है, एक भी हाथ खामोश नहीं चाहता हूं। हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे, अरे तुम भूल गए, 67 को तुमने पंगा कर डाला था, अरे छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था, तुमको नंगा कर डाला था। अरे तुम भूल गए 71 जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। अरे तुम भूल गए करगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। वाह, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। और ये पंक्तियां मित्रों, कितनी तालियां आती मुझे नहीं पता, लेकिन आप रिकॉर्ड तोड़ना आज 70 सालों में पाकिस्तान की टोटलों का। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। अरे तुम भूल गए हो रिश्ते में, हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बहुत बहुत आभार। तुम भूल गए हो रिश्ते में, मंत्री जी आप ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे एक बार लाहौर में खड़े होकर बजाइए, मैं बहुत अच्छा लगे। तुम भूल गए हो रिश्ते में, हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के मंच पर खड़ा हूं, जगदीश मित्तल जैसे राष्ट्रवादी बैठे हैं, एक आह्वान मांगता हूं, एक आह्वान केवल, तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, भारत मां के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। अंतिम कविता की अंतिम पंक्ति तक पहुंचता हूं। बढ़िया, ये धमकी देता है परमाणु बम की, मेड इन चाइना मेड इन कोरिया। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे, दिल्ली वालों कैसे लड़ेंगे, एटम बम से लड़ लेंगे। अरे तू जब तक बटन दबाएगा, तू जब तक बटन दबाएगा, हम पृथ्वी नाक चला देंगे। और तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा, हम पूरा पाक निपटा देंगे। क्या चेतन जी, क्या राष्ट्रभक्त बुलाए, कितने परिवार मैत्री संघ के देशभक्त लोग, कितने वीर है आप लोग। सेना हटाओ, मंत्री जी इनको पहुंचाओ। चार पंक्तियां आपकी बहादुरी के नाम रखकर बैठता हूं, जब मैं बैठूंगा तो तालियों का शोर मेरे कानों में जाना चाहिए। कितने वीर है परिवार, ये भवानी परिवार मैत्री संघ के लोग, आपकी बहादुरी को सलाम पाकिस्तान। नारा नहीं लगाना रहे, पाकिस्तान सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है, पाप है तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। और पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, आपकी बहादुरी को सलाम, पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, ओ जिन्ना की औलादो, पाकिस्तान को निपटाने को भिवानी परिवार संघ ही काफी।